नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संयुक्त रसोई में। आज हम बनाने चल रहे हैं ग्रीन पीस अप्पम। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हरी मटर के अप्पम बनाने के लिए हमने एक कटोरी हरी मटर ले लिया है, तो हम इसको मिक्सिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। हम इसमें हरी मटर डाल देते हैं। हम थोड़ी सी मटर निकाल लेते हैं, बाद में डालेंगे ऊपर से। इतना हम पीस लेते हैं और इसमें हमने अदरक के 1 इंच अदरक के टुकड़े भी डाल देते हैं। 2-3 हरी मिर्ची हम इनको तोड़ के डाल देते हैं, 3 हरी मिर्ची। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अब इसको ये बाउल में निकाल लेते हैं। हमें ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, थोड़ा दरदरा रहेगा तो अच्छा लगेगा। हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं इसमें, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसी में अब हम 1 कटोरी सूजी डाल देते हैं और नमक हम 1 टेबल स्पून डाल देते हैं, आप स्वाद अनुसार डाल लेना। इसी में हम जो हमने मटर बचा रखी थी उसको डाल देते हैं। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। हमने 1 गिलास मठा लिया है, 1 गिलास मठा ले लिया है। हम दही में नहीं, मठे में बनाएंगे। आपके पास दही हो तो आप दही यूज कर लें। तो हम 1 गिलास मठे में इसको धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इडली जैसा बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया। ये बैटर बनाने में हमें 2 गिलास मठा हमने यूज किया है। अगर आपके पास दही हो तो आप दही डाल दें 1 कटोरी या 2 कटोरी, जो भी आपके पास हो। अगर आपको जल लगता है कि आपका बैटर तैयार नहीं है तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें हमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल देते हैं और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं मिक्स करके। देखिए हमारा ये बेकिंग सोडा मिक्स हो गया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं ना बेटा, इसको चला के देख लेते हैं एक बार। हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देते हैं, जो सब्जियां हमने चॉप कर लिया बारीक बारीक। हम इसमें प्याज डाल देते हैं, 1 प्याज हमने चॉप कर लिया बारीक बारीक, इसको इसमें डाल देते हैं। एक गाजर हमने काट लिया है बारीक, इसको भी डाल देते हैं। 1 टमाटर भी काट लिया है, इसको डाल देते हैं इसी में। और ये हमने लहसुन और धनिया की चटनी बना ली है, इसको मिक्सी में इसको भी डाल देते हैं इसी में। हम काट के नहीं डाल रहे, आप चाहे तो काट के डाल दें बारीक बारीक धनिया। 1 चुटकी हल्दी डाल दे रहे हैं हल्की शाइनिंग के लिए। राई और कड़ी पत्ते का तड़का हमने तैयार कर लिया था, इसको डाल दे रहे हैं। अब इन सबको मिक्स कर देते हैं। देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमारा ये तैयार है, तो आइए हम अप्पे बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन कर दिया है, अप्पे मेकर इसी पे रख दिया है। अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा देते हैं सब में। हम इसमें मूंगफली का तेल लगा रहे हैं, आप जो भी ऑयल खाते हो वही वाला लगा लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। हमें ज्यादा नहीं भरना है जिससे हमारे अप्पे फूले। सारे अप्पे
सब इसमें डाल दिया है। अब इनको ढक देते हैं, 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। 1 मिनट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। हमारा फोन देखो बढ़िया हो गया है। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा, और हम इसको आराम आराम से पलट लेते हैं। देखिए हमारे अपन बढ़िया से पलट जा रहे हैं। इसी तरह हम सब पलट लेते हैं। हमने सारे अपम पलट लिए हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए हमारे अपम बन के तैयार हो गए हैं। हम इनको देखिए बढ़िया फूले फूले बने हैं। इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सब निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फूले फूले अपम बने हैं। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, बहुत ही अच्छा है। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। हम इसको कैद की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप इसको ग्रीन चटनी, रेड चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। कैद की चटनी बनाने की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से ट्राई कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है इसकी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारी आगे की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।